नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी के मुताबिक यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ जमकर पहले विवाद किया और इतना ही नहीं आरोपी फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी में सामने आ रही घटनाक्रम के बाद यहाँ पर शव को लॉक कर कमरे में फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को डिटेन कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से, जहाँ पर करदनी थाना इलाके से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूचना पर एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटा है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को राउंड अप किया। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच करदनी एसएचओ उदय सिंह ने की है। रविवार शाम सरना डूंगर करदनी निवासी हनुमान सैनी ने सूचना दी। वे पास ही एक मकान की देखरेख करता है। मकान में रहने वाले किराएदारों से वे किराया लेता। पिछले दो दिन से किराए पर रहने वाले फतेहपुर उत्तर प्रदेश निवासी अमित कुमार और फिर कारण यादव का कमरा लॉक है। उसके बंद कमरों से कुछ बदबू सी आने लगी। इसके बाद खुलासा हुआ कि आरोपी ने हथौड़े से इस घटना को अंजाम दिया। जिनकी पहचान बताया जा रही कि अमित की पत्नी किरण और उसकी बेटी प्रिया और बेटी रिया, इनकी सामने ये जानकारी आ रही है। फिलहाल पुलिस स्पेशल टीम के आधार पर जांच में जुटी हुई है। आरोपी ने किस घटना को क्यों अंजाम दिया, बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रथम दृष्टया जांच में सामने आई कि अमित ने किरण से काफ़ी समय पहले अपने प्रेम प्रसंग के चलते शादी की थी। इसी दौरान आपसी विवाद के चलते ये घटनाक्रम सामने आ रही है, जांच की जा रही है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।